बलूच लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी है कि कोई भी पाकिस्तानी जो इंडिपेंडेंस डे है अगर उसकी सेलिब्रेशन की कोशिश करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये सेलिब्रेशन कौन करता है? ये पाकिस्तान के आए हुए टट्टू वो सेलिब्रेशन करते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोला है कि 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे कोई ना मनाए बलूचिस्तान में। इससे ये तो पता लगता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान को कितना नफरत करते हैं लोग। ये बात ये है कि पार्टीशन का तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में जो लोग गए जो वहां रह रहे हैं उनको, अच्छा महाजर जो आए हैं आज तक वो महाजर है, उनको पाकिस्तानी है ही नहीं, वो ना सिंधी उनको मानते ना पंजाबी उनको मानते, या उनको कहते हैं उर्दू स्पीकिंग है या कहते हैं महाजर है। तो आपने वहां पाकिस्तानी कौमियत का जो तस्वर है वो तक अभी तक कंसोलिडेट नहीं हो सका ना वहां, कहने को तो आप कहते हैं पाकिस्तानी क्योंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी, आज आपको मिलेगा पंजाब का पासपोर्ट तो फिर आप कहेंगे कि हम पंजाबी हैं क्योंकि केपीके वाली साइड में आपने 14 अगस्त उन लोगों ने बायकॉट किया हुआ। क्यों? उन लोगों ने कहा हम आज़ाद नहीं है, हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, रोज़ हम लाशें उठाते हैं, आप लोग आज़ादी मानाओ, हम 14 अगस्त को लाशें उठाएंगे। इधर क्या है, वहीं तराने हैं बजाना है ना, नगमे बाजे बजाना, बाजे बजाना, तो बाजे बजा के तो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, या बाजे बजा के कोई कौम खुददार तो नहीं हो सकती है। जय दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल 14 अगस्त है और BLA ने एक प्रेस रिलीज में ये घोषित कर दिया कि बलूचिस्तान में कोई भी 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हाल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के कर दिए है, 14 अगस्त बलूचिस्तान में सेलिब्रेट करना नहीं बनता, क्योंकि बलूचिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। और इसलिए अब की बार जिन्हें भी बलूचिस्तान ने 14 अगस्त सेलिब्रेशन किया तो उनको BLA द्वारा दंड दिया जाएगा। और ऐसे ही सूरत हालत पूरे पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जैसे कि KPK में भी ऐसे कहा जा रहा है कि 14 अगस्त के ऊपर बैन लगाया गया है, क्योंकि KPK के लोगों को भी पाकिस्तान ने अलग रख दिया है। और सिंध में भी यही हालत है। तो क्या जो हालत पाकिस्तान ने कश्मीर में 1990 के दौरान पैदा की थी वही सेम हालत आज पूरे पाकिस्तान में हो रही है? क्योंकि देखकर तो लग रहा है कि हर एक सुबह अब 14 अगस्त को बनाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो खुद को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। और अगर पाकिस्तानी नहीं है तो 14 अगस्त सेलिब्रेशन किस बात का? तो क्या पाकिस्तान जल्दी ही 4 या 5 हिस्से में टूट जाएगा अगर ऐसे ही हालत रहे तो? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोला है कि 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे कोई ना मनाए बलूचिस्तान में। इससे ये तो पता लगता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान को कितना नफरत करते हैं लोग। ये BLA की प्रेस रिलीज अभी जो आई कुछ घंटे पहले ही है, उसमें बोला गया कि द सो कॉल्ड पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे क्वेटा में ना मनाया जाए, क्वेटा में ना मनाया जाए, एक स्टेट की कैपिटल में ना मनाया जाए। वही नहीं दिख रहा जो 1990s में कश्मीर में हो रहा था, आज तक कश्मीर में झंडे हैं, तिरंगे हैं, तिरंगा यात्रा चल रही है, वो अपने आप को इंडियन मानते हैं, वो इंडिया के पूरी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में कुछ हो ही नहीं हो रहा, जो कि आपको लग रहा था कि देखिए श्रीनगर में क्या होता है आगे आगे वही होगा। मोहम्मद अली जिला ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया ना, यही आप लोगों का यकीन है? तो उस जमाने में तो मुसलमानों को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, जनरल पॉपुलेशन को तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, तो उर्दू पढ़ते थे या कुरान शरीफ पढ़ते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर अंग्रेजी में अखबार डॉन क्यों शुरू किया? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे अंग्रेजों को कि वो क्या लिख रहे हैं उसमें और क्या प्रचार हो रहा है, इसलिए अंग्रेजों को दिखाने के लिए इंग्लिश में अखबार निकाला डॉन। उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी अपने अवाम कि मैं शोर पैदा करने की, उन्होंने तो अपने अवाम के अंदर उनकी जहरीली जहन साजी की फिरका वराना बुनियादों पे। तो ये बड़ा फर्क है इन दोनों मुल्कों में, इनके लीडर्स में। और आप कहते हैं हासिल किया, ये हासिल नहीं किया, ये बनाया गया है और आप लोगों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। और हिंदुस्तान को
जिसे कहते हैं ना पाओ में कांट, जैसे कांटा होता है ऐसे कांटा, ताकि चुभता रहे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान तरक्की ना कर सके। ये एक बफर स्टेट बनाई गई पाकिस्तान बिटवीन सोवियत यूनियन एंड इंडिया। तो बात यह है कि पार्टीशन का तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में जो लोग गए जो वहां रह रहे हैं उनको, अच्छा महाजर जो आए हैं आज तक वो महाजर हैं, उनको पाकिस्तानी है ही नहीं, वो ना सिंधी उनको मानते ना पंजाबी उनको मानते, या उनको कहते हैं उर्दू स्पीकिंग है या कहते हैं महाजर है। तो आपने वहां पाकिस्तानी कौमियत का जो तस्वर है वो तक अभी तक कंसोलिडेट नहीं हो सका ना वहां, कहने को तो आप कहते हैं पाकिस्तानी क्योंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी, आज आपको मिले ना पंजाब का पासपोर्ट तो फिर आप कहेंगे कि हम पंजाबी हैं, क्योंकि आपकी नेशनैलिटी का ताल्लुक आपकी सिटीजनशिप से है और उसकी रिप्रेजेंटेशन पासपोर्ट से। लिहाजा जो इस वक्त की सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान भुगत रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना को भुगत रहा है। पिछले 24 घंटे में चार हमले बलूचिस्तान में और ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी पे हुए। इन हमलों से तीन चीजें बहुत क्लियर होती हैं। पहली चीज, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की कितनी पकड़ है या कितनी खराब हो चुकी है बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की प्रेजेंस कि वो कहीं पे भी दिन में तीन हमले कर सकते हैं। साथ में बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस डे को डिसरप्ट करना, मतलब जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अब बलूचिस्तान, उसमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस को, पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को डिसरप्ट करना, वहां के लोग चाहते हैं, अच्छा सपोर्ट है। एक अब जो मैं बताता हूं आपको कि अटैक्स क्या हुए, ऐसे अटैक्स हुए हैं चार अटैक्स में से बीएलए ने खुद बोला कि भाई ये चार अटैक हमने किए हैं, एक में दो पर्सनल इंजर्ड हुए और दो पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल मारे गए। उसके साथ साथ ये जो हमला हुआ है, ये तीन डिफरेंट अटैक्स कुंदूज में, कोलवा में जहां पे दो पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए और छह इंजर्ड थे, ये पाकिस्तानी आर्मी स्पोक्स पर्सन से की तरफ से आया, राइट। साथ में मैं सपना आतंकवाद तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है। ये जो चार हमले हैं इसमें से पिछले 48 घंटे में एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमले किए हैं, और अभी एक जो हमला है वो थोड़ा छोटा था, उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं है, लेकिन तीन हमले पड़े थे और आर्मी पे थे। इससे आगे बताया कि वर्ल्ड की नंबर वन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी हमें नहीं पता, सो रही थी जाग रही थी क्या कर रही थी हमें नहीं पता। कि ये केपीके वाली साइड में आपने 14 अगस्त उन लोगों ने बायकॉट किया हुआ, क्यों? उन लोगों ने कहा हम आजाद नहीं है, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, रोज हम लाशें उठाते हैं, आप लोग आजादी मनाओ, हम 14 अगस्त को लाशें उठाएंगे। इधर क्या है, वही तराने हैं, बजाना है ना, नगमे बजाना, बाजे बजाना। वो बाजे बजा के तो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, या बाजे बजा के कोई कौम खुददार तो नहीं हो सकती है। अब्दुल कलाम आजाद ने क्या कहा था, आपने सुना है उसका इंटरव्यू? नहीं, आप बताएं। उसने कहा था कि बांग्लादेश अलग हो जाएगा, उसने पाकिस्तान बनने से पहले कहा था, उसको मशरकी पाकिस्तान कहा जाता ना, उसने कहा था मशरकी पाकिस्तान अलग होगा, पाकिस्तान के अंदर ज्यादतियाँ होंगी और उसके अलावा पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के वजूद के बारे में सवाल करेगा। ये पेशियाँ हो गई और वो चीज़ सच साबित हो रही है, सच साबित हो रहा है। अब भी आप जाके इंटरव्यू अब्दुल कलाम के आज़ाद जीत की जो बुक लिखा हुआ है या सिकालस जिसके ऊपर तर्जा करें वो देख लें, सारा सच साबित हो रहा है। मोदी अब देख रहे हैं, मोदी ने पिछले 10 साल हुकूमत की है, या हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ चले गए। अब फ़र्ज़ करो अगर कोई मेरा दुश्मन है, ठीक है, तो मैं उसको गिराना चाहूँ तो किस चीज़ पर गिरा सकता हूँ, मैं उससे आगे निकल के गिरा सकता हूँ। ये मैं बाजे बजा के उसकी तरफ आवाज़ें निकाल के, ये मैं बाजी से नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आपके केपीके के लोग नाराज़ हैं, आपके पंजाब के जुनूबी वजरिस्तान जुनूबी पंजाब के लोग, सेंटर के लोग जो पढ़े लिखे हैं उनके ऊपर जुल्म है, वो लोग नाराज़ हैं। आपके महाजर आपसे नाराज़, आपके सिंधी नाराज़, आपके बलोची नाराज़, आपके गिलगिती नाराज़, आपके कश्मीरी नाराज़। आज़ादी किसकी मना रहे हैं फिर, कौन बजा रहे हैं? जो पढ़ा लिखा है ना, जिसको समझ है वो नहीं मना रहा।